अब देखिए आप राजमहल में एनआरसी की एंट्री, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। राजमहल के रण में भी बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। झारखंड में एनआरसी पर लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला है। एनआरसी की गूंज सदन में भी सुनाई देती रही है। ऐसे में साहिबगंज का एक इलाका ऐसा भी है जो एनआरसी से बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। तो क्या राजमहल के रण में इस बार एनआरसी निर्णायक मुद्दा हो सकता है? ये तस्वीरें साहिबगंज के बांग्लादेशी बाहुल्य इलाके की है। साहिबगंज में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रहते हैं जो अब खुद को भारत का नागरिक होने का दावा करते हैं, क्योंकि इनके पास अब यहाँ के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। लिहाजा साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए चुनावी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के उधवा प्रखंड का श्रीधर और आकून बना गाँव बांग्लादेशी घुसपैठियों की परेशानी से जूझता रहा है। यानी एनआरसी का मुद्दा राजमहल के रण में बड़ा दाव हो सकता है। एनआरसी पर स्थानीय लोगों की राय भी जान लीजिए। लेकिन हम लोग को क्यों कहा जाता है, मेरे को कुछ भी हम लोग को वहाँ से ये नहीं करता है। वो लोग बोलता है जो तुम बांग्लादेशी है, ये सब अगरा वगैरह बोलता है सब। जो वोट आया था उस साल में दूसरा आदमी था, वो बोला था, मुसलमान का आदमी था, वो बोला था जे ये सब बांग्लादेशी है, इसको हटाइए, बोला था। 1996 के जनगणना के हिसाब से यहाँ करीब 96,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो अब करीब 2,00,000 होने का दावा किया जा रहा है। अब ये भी यहाँ के चुनाव में निर्णायक हो गए हैं। साहिबगंज का आकून बना गांव विकास के लिहाज से हाशिए पर है। गरीबी मुफलिसी में यहां के लोगों की जिंदगी कट रही है। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा का बुरा हाल है। काम तो थोड़ा भी सर होगा, रोड जा कुछ करेगा तो थोमस हजदे ही तो करेगा, उसका लड़का ही करेगा। यहां पर खेती बाड़ी होता है, इसलिए टीचर ज्यादा नहीं है, स्कूल भी नहीं है, काम है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल ज्यादा दूर में है, इसीलिए। पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड जैसे राज्यों में एनआरसी बड़ा मुद्दा है। चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। साहिबगंज से कामरान, सौरभ और पंकज की रिपोर्ट, जी मीडिया।